लाडली जी महाराज बरसाना। ऐसे देखो यहाँ से व्यू यार कितना मस्त आ रहा है ना। 9 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगाए हमने। 4 घंटे में कंप्लीट कर दी भाई। वो इतना हाल देखो भाई, चला नहीं आ रहा है इसलिए। तो अभी तो गाइस पहुंच गए हैं बरसाने, और यार अभी यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। चलो 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 चलो। तो गाइस अभी तो काफ़ी टाइम लग गया यार, लेकिन अभी तक तो पहुँचे नहीं है राधा रानी मंदिर। और अभी सीढ़ी टाइप की ये गली है और चढ़े जा रहे हैं ऊपर। बस थकवा तो नहीं है अभी से, थक रहे हैं अभी तो गोवर्धन की परिक्रमा भी लगानी है भाई। अभी थका तो नहीं है, कह रहा था मैंने टर्री से परिक्रमा लगाई भाई यार भीड़ जा रहा है, भीड़ ज्यादा है इधर। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं श्री लाडली जी महाराज बरसाना, और यार बहुत ज़्यादा थक गए, सांस फूल गई यार। ऊपर भी है ओ भाई। गाइस गाइस देखो यहाँ से व्यू यार कितना मस्त आ रहा है ना, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस आ तो गए राधा रानी मंदिर, बट यार यहाँ पर जो है ना पट बंद है, और ये बोल रहे हैं कि 5 बजे के करीब खुलेंगे। और यार बहुत ज़्यादा दुख सा हो रहा है, क्योंकि यार इतना चल के आए और फिर भी यार पट बंद है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यार लोकेशन बहुत बहुत अच्छी है, नेक्स्ट लेवल देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा। 30 minutes later तो अभी गाइस जा रहे हैं, बिकॉज पट जो है खुले नहीं है, बट तो यार खुले ही नहीं, 5 बजे खुलने के बोल रहे हैं। और अभी हमको परिक्रमा भी लगानी है गोवर्धन पर्वत जो है, तो अभी चलते हैं। 400 आए थे, 400 सीढ़ियाँ पता है भाई। यार लोकेशन भाई बहुत अच्छी है, मैंने अपनी लाइफ में जो ना ऐसी जगह ना मतलब पहली बार एक्सपीरियंस करी है। तो अभी चलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नीचे ओके। और देख सकते हो आप लोग पूरा नीचे जाना है हमको। फाइनली गाइस अभी आ गए हैं नीचे, बिल्कुल बाहर आ गए हैं मंदिर के। और यार पट बंद अच्छा लगा ना वंश मंदिर भाई, यार लोकेशन बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो यार शेयर कर दी थी, मैं तो यार मतलब राधा रानी जो है ना वहाँ की मतलब रील देखी थी पहले, तो मैं कह रहा था मैंने यार जाना चाहिए यार, और वहीं पहुँच गए यार। और मैं सोच रहा था यार ये तो वही सेम लोकेशन है, और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर यार। फोटो वोटो क्लिक किए थे, फोटो तो यार बहुत अच्छे आ रहे थे। तो यार क्या खरीद लिया, और ये भी भाई आगे तो दिखा दो एक बार, हाथ गिरे हुए हैं। तो अभी यार बस में जा रहे हैं, अभी निकल गए हैं गोवर्धन के लिए। और यार देखो बस में अम्मा हाय बोल दो एक बार, हाय अम्मा मारो। फिलहाल तो गाइस यार यहाँ पे रुक गए हैं, और यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पर, लगभग 30-45 मिनट हो गए होंगे। और यार अभी तक मतलब ट्रैक ओपन होने का नाम ही ले रहा है यार, इतना टाइम लग गया ना बहुत ज़्यादा। फिर भी यार वेट कर रहे हैं, अभी तो मैं बाहर आ गया, तीनों दिन बाहर आ गया, काफ़ी लोग आ रखे हैं सामने भी। और यार गर्मी हो रही थी बस में बहुत ज़्यादा, आ रही है यार पता नहीं पीछे से आएगी कहाँ से आएगी। तो अभी गाइज रात हो चुकी है, शाम के 6:10 हो गए हैं, और गाइज वहाँ पर लगा हुआ था ट्रैफिक, वो तो हुआ ही नहीं, ओपन ही नहीं हुआ, और हमको जो है फिर निकलना पड़ा पैदल ही।
और अभी हम आ गए यहाँ पर, कितना किलोमीटर हुआ लगभग? लगभग दो किलोमीटर। हाँ, 1.5-2 किलोमीटर होगा यहाँ से, और अभी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, और फिर वहाँ से पहुँच कर वहाँ से करते हैं गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट। ओके, वो भी फाइनली परिक्रमा जो है स्टार्ट करती है। 21 अच्छा, अभी लगभग कितना टाइम लगेगा? कम से कम 6 या 7 घंटे। अच्छा अच्छा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे भी अभी हम बड़ी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं जो 11 किलोमीटर की है, फिर छोटी परिक्रमा जो 10 किलोमीटर की रहेगी। तो अभी गाइस करते हैं कंप्लीट। ओके, और अंधेरा ही अंधेरा होने वाला है बिकॉज रात हो चुकी है ना, इस वजह से। ओके, गाइस अभी खा रहे हैं प्रसाद जो कि बट रहा है रास्ते में, और कैसा लग रहा है बेटा? बहुत टेस्टी है। गाइस अंधेरा हो रखा है, सभी के फेस काले काले आ रहे हैं, तो प्रसाद खाते हैं हम। ओके, तो अभी तो गाइस परिक्रमा लगा ही रहे हैं, स्टार्ट किए हैं यार अभी तो। कितना हुआ लगभग? 1 किलोमीटर हुआ होगा। और अभी आपने मतलब कितनी बार लगाई है? 2 बार। और ये दूसरी बार है? तीसरी बार है भैया का, मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन। और मोहित, मोहित विष्णु भाई, मेरा आपका पता नहीं 15 या 16 बार आ रही है। सीरियसली? हाँ हाँ। ओ भाई मेरा तो फर्स्ट टाइम है। मोहित थर्ड या फोर्थ। और वंश? कम से कम 15-16 बार। ओ भाई अच्छा अच्छा। और भाई आप दोनों? मेरा भी फर्स्ट टाइम। तो फाइनली गाइस अभी बड़ी परिक्रमा जो है वो कर दी है कंप्लीट, और 11 किलोमीटर जो है कर दिया कवर, अभी 10 किलोमीटर अभी करनी है, छोटी वाली परिक्रमा बोलते हैं उनको, फिर हो जाएगी कंप्लीट हमारी परिक्रमा जो है वो गोवर्धन बाबा की। ओके, तो अभी गाइस छोटी परिक्रमा के लिए कर रहे हैं स्टार्ट। ओके बंस, कैसा लगा भाई? बहुत मजा आया, और मैंने पूरी रास्ता चला चीता ही कह दे। गाइस अभी छोटी परिक्रमा लगा रहे थे ना, तो अभी आ गए हम चूतर टेका, और वहाँ पर बैठना जरूरी होता है, तो अभी बैठ गए हैं। और कैसा लग रहा है? हाँ, और कैसा लगा भाई? तो गाइस अभी चलते हैं, ठीक है ना? तो फाइनली गाइस अभी आ गए हैं राधाकुंड, और यार काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और थोड़ा रेस्ट करेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं सभी लोग। ज़्यादा तो नहीं थका? नहीं, लिटरली। व्हाट लिटरली? लिटरली का मतलब पता है तेरे को? थोड़ा बहुत। सचमुच? फाइनली गाइस अभी गोवर्धन पर्वत जो है उसकी जो है परिक्रमा हो गई कंप्लीट, और यार काफी ज्यादा थक गए हैं। इस बार तो रिकॉर्ड भी तोड़ा है। हाँ, 9 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगाए हमने। हाँ, 4 घंटे में कंप्लीट कर दी भाई। तो गाइस अभी मंदिर में आ गए अंदर। तो फाइनली गाइस पहुंच गए अभी मंदिर पर। ओके, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा। परिक्रमा लगा के आ गए हैं, और मंदिर में मंदिर से भी बाहर आ गए हैं, और मोहित का हाल देखो गाइस, चला नहीं आ रहा इसके। गाइस देखो दो दो लोग ले जा रहे हैं इसे, और थक गए नहीं थक गए पैर दुख रहे हैं। हाँ, तो अभी मिलते हैं इस बस में सीधा, ठीक है? फाइनली गाइस अभी बैठ गए हैं बस में, और यार अभी डायरेक्ट अलीगढ़ पहुंच के मिलते हैं, ठीक है? फाइनली गाइस अभी मैं
घर पर पहुंच चुका हूं एंड गाइस अभी ब्लॉग को करता हूं एंड आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।